जो मैंने ट्रेनिंग बताई आज करवाई थी उसमें क्या था कि अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं अकेले हैं तो क्या करेंगे बताइए। अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हमें दूसरे अगर हम किसी रिलेटिव के साथ जाए तो हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम जिस जगह पे उस सराउंडिंग की आसपास की चीज़ें कुछ ऐसे लर्न कर सकते हैं, उसके स्टेप्स लर्न कर सकते हैं, प्लांट्स ट्रीज बेंचेस हैं, कोई बोर्ड लगा हुआ है मार्केट में, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई बस स्टॉप है, ऐसी चीज़ें याद कर सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि आप स्टेप पर नेक्स्ट कोई बात नहीं, कोई हंसना नहीं, चलो नेक्स्ट, शाबाश नेक्स्ट, कम ऑन। आप मुझे बताइए कितनी चेयर हैं, बताओ कितनी चेयर हैं बताइए। 11 चेयर हैं, पहले भी गिनी थी, हर जगह 11 ही चेयर हैं। तो अभी अभी जो आपको ट्रेनिंग की उसका आपको रिजल्ट मिल गया। दूसरा इससे क्या फ़ायदा हुआ, जब आप स्टेप अप कर रहे हैं तो आपकी फिटनेस अच्छी हो गई, आप थकेंगे नहीं, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा बड़े होने पर, आप ये नहीं कहेंगे अरे मैं तो सर में बैठ जाऊँ क्या, ठीक है। अच्छा दूसरी क्या ट्रेनिंग कराई थी उसके बाद में हमने थी वो जैसे अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और कोई बताओ, अर्थक्वेक फ्लड और भूकंप तो हो गया, अर्थक्वेक, बिल्डिंग गिर गई, ब्रिज गिर गया, या कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, बस का हो गया या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और आप वहां मौजूद हैं, तो आप उनकी मदद कर सकेंगे। पहले तो उनको रेस्क्यू करने में, क्या करने में, रेस्क्यू मतलब बचाकर बाहर निकालो, फिर उनका फर्स्ट एड करेंगे, वो अगली बार सिखाएंगे फर्स्ट एड हम। अब पीछे से जाकर दिखाओ जल्दी से, एक के बाद एक मैं बोलूंगा, नेक्स्ट मैं बोलूंगा, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलते रहो नेक्स्ट, कम ऑन, नेक्स्ट, चल जा, स्पीड अप, नेक्स्ट, लड़की जाओ, गौरी जाओ, हो गया अच्छा।